पूरनपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उपजिला अधिकारी व तहसीलदार व लेखपालों व कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और किसान राम नरेश गौड ने आरोप लगाया है कि पूर्व एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह तहसीलदार दिग्विजय सिंह के पास शिकायत लेकर आए थे, पर उन्हें न्याय तो नहीं मिला बल्कि धक्का मुक्की कर गालियां देकर भगा दिया गया, जिससे किसान पीड़ित की पत्नी को दिल का सदमा बैठ गया और उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस व पूर्व डिप्टी एसपी से अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा, पर पीड़ित की किसी ने नहीं सुनी। दो दिन तक पीड़ित ने अपने पत्नी का शव घर पर ही रखा, लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी, जिसके विरुद्ध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया व पीड़ित की भूमि पर से भू माफियाओं का अवैध कब्जा हटाने व पीड़ित के पत्नी के हत्यारों को सजा दिलाई जाए, सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए, पूरनपुर में जिन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई वापस ली जाए और लेखपाल राजीव कंचन लेखराज पर झूठा आरोप लगने के विरोध में कार्रवाई की जाए, तभी धरना प्रदर्शन बंद होगा। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने एसडीएम शशि भूषण राय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन दिया है। जी बताइए, क्या समस्या है? समस्या है जमीन की, और जमीन हमारी जो तुम्हारे प्रशासन राजस्व प्रशासन लेखपाल सहित तहसीलदार और एसडीएम मिल करके और चौकी के पुलिस भी जो तुम्हारे हमारे घर वाली को ये लोग धक्का वक्का दे करके यानी हम गिर गए, वो सगमा लग गया बर्फी देवी को, दर्द उठने लगा, घर जाते जाते फिर हम हमारे बच्चे अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में खत्म हो गई। धक्का दिया था आपकी मिसेस को? किन्होंने धक्का दिया था? ये एसडीएम एसडीएम भी मौजूद थे, ज्ञानंद सिंह और दिग्विजय सिंह, ये धक्का दिए, हम गिर गए, ये सगमा घरवाली को पड़ा और चोला छोड़ दिया, और हमने पुलिस को भी इतला दिया, पुलिस मौके पर नहीं गई, बर्फ लगा के दो दिन लाश रही, 12 बजे के बाद हम ले जा करके सारधा पर यानी दफन कराए, मगर कोई देखने, हमें थाने होकर के मगर कोई है। मैंने लिखित रूप में एक रजिस्टर पत्र श्रीमान जिलाधिकारी की सेवा में प्रेषित किया, 24 तारीख को मैंने माननीय जिलाधिकारी पीलीभीत एसपी वगैरह सारे प्रशासनिक अधिकारी जिले के जितने भी हैं तहसील सहित सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से ईमेल के माध्यम से मैंने सूचना दे रखी है। ये आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन तो मेरा हम लोगों का तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मांगे आपकी क्या क्या हैं? हमारी मांगे ये हैं कि हमारे श्री राम नरेश गौड़ की भूमि को मतलब भूमि माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जाए, उन्हें कब्जा खारिज कराया जाए, और बर्फी देवी के हत्यारों को जो भी तथाकथित हैं जो भी नाम लिया है हमारे नरेश कुमार गौड़ जी ने उनको दंडित किया जाए। हमारी जो भारतीय किसान यूनियन है, हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं जिला प्रभारी, उनको जो है लेखपाल संघ ने और राजस्व प्रशासन ने किसी षड्यंत्र के तहत उनको उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी है जो बिल्कुल असत्य है, निराधार है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और हम ये मांग करते हैं तहसीलदार महोदय से कि जिन लोगों ने ये झूठी FIR दर्ज कराई है जिसमें लेखराज शर्मा और श्री राजीव जी कंचन का विशेष रोल है, उनको उनके विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दंडित कराने की कृपा करें और उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए।